जी के बीच मामन जैन जी आए हुए हैं, वो भी इस उपलक्ष में कुछ कहना चाहेंगे। उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस सेपरेट स्माइल फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब इस अशुभ अवसर पर सभी पदाधिकारीगण और सभी जो महानुभाव पधारे हैं और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर जो आज स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का जो यह पर्व है, इस पर मैं इस संस्था के सभी आयोजकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेपरेट स्माइल जिन गरीब बच्चों के शिक्षित करने के उद्देश्य से जो प्रयास करा है, यह बहुत ही सराहनीय है और सभी बधाई के पात्र हैं। शिक्षा ज्ञान दान की श्रेणी में आता है। शिक्षा ज्ञान दान की श्रेणी में आता है। ज्ञान के बिना अनुसंधान होता है, क्योंकि यदि अंधे आदमी को आंखें मिल जाएं तो कितना आनंदित होता है। उसी प्रकार अज्ञानी को विद्या का दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण दान है। ज्ञान दान की तुलना चक्षु दान से की गई है। प्राचीन काल में नालंदा आदि विश्वविद्यालय इसी विचारधारा भावना को लक्ष्य में रखकर स्थापित किए गए थे, जहां भारत और भारत के बाहर के जावा, सुमात्रा, चीन, तुर्की, यूनान आदि देशों के हजारों विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के ज्ञान अर्जन करते थे। गरीब विद्यार्थियों के लिए पाठशाला खोलना, पाठशाला में को दान देना, स्कॉलरशिप देना, उसके वगैरह आदि दान देना, बोर्डिंग हाउस आदि बनाना, ये सब विद्या दान में शामिल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। शिक्षाविद और आचार्यों ने यहाँ तक कहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ विद्या के द्वारा सिद्ध होते हैं, तथा विद्या दान देने वाला चारों ही पुरुषार्थ पाने का अधिकारी है। भगवान महावीर ने भी कहा है, पठमम नरम तो दया, अर्थात पहले ज्ञान और बाद में दया, तब प्रोकार आदि सब आचरण है। और 15 अगस्त के उज्ज्वल लक्ष्य में जिन भारत के महान सपूतों ने इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो योगदान दिया है, हम सभी उन्हीं को नमन करते हैं। आज रक्षाबंधन के पर्व पर भी यहाँ जो मनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं दो लाइनें आपको कहूँगा। रक्षाबंधन एक पर्व है, निस्वार्थ बंधन है। रक्षा पर्व जो है एक निस्वार्थ बंधन है। विस्तृत में इसकी महत्ता समझना जरूरी है। इस प्रकार से रक्षाबंधन जो एक रक्षा सूत्र है, रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र है, एक सम्मान का सूत्र है। रक्षाबंधन एक सम्मान का सूत्र है, आपसी समझ का सूत्र है और अपनेपन का सूत्र है, और एक ये स्नेह का बंधन है। इसी पर दो पंक्तियाँ, महक उठेगी जिंदगी आपकी, यदि मन में स्नेह के फूल खिला लो, भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को रक्षा सूत्र में संभालो। जय हिंद। स्वागत करता है श्रीमती संतोष देवी, महिला पुलिस थाना सोनीपत का। वो स्टेज पर आए और दो शब्द बच्चों के लिए कहे। मिलकर बड़ी खुशी हुई। सब ठीक हो? बच्चों के लिए जो कर रहे हो भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अब
बाबा हमारा एनजीओ ब्रजेश तिवारी न्यूज रिपोर्टर दैनिक भास्कर जो काफी महीनों से हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं एक बार स्टेज पर आए और दो शब्द बच्चों के लिए गए। हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है और ये कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन जरूरतमंदों के लिए कुछ करना, ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना, एक जो वंचित है, जो जरूरतमंद है, उसके लिए कुछ करना बड़ी बात होती है। तो मेरा ये मानना है, मुझसे जब प्रदीप जी ने कॉल किया मुझे 4 महीने पहले और मुझसे कहा कि इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तिवारी जी आपका थोड़ा समर्थन चाहिए, लोगों तक बात जाए, लोग जुड़ेंगे, इसमें मदद मिलेगी और बच्चों को हम आगे जोड़ पाएंगे। मैंने प्रदीप जी से कहा कि किसी भी समय चाहे जब चाहे जैसे मेरी जो भी जरूरत है मैं हमेशा मिलूंगा। इन्होंने कल भी मुझे शाम को शॉर्ट नोटिस में मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, आप आएंगे अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको ही नहीं। तो मैं आप सब जो यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी आए हैं, यह सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कार्यों के लिए आगे आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े और पढ़ाएं ताकि भविष्य निर्माण हो सके। देश का कहा जाता है ना कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, तो इन्हें बनाएं। थैंक यू। जो स्वागत करता है श्रीमती शनेल लता गवर्नमेंट टीचर सामाजिक कार्यकर्ता का, वे स्टेज पर आए और दो शब्द बच्चों के मार्गदर्शन हेतु कहें। नमस्कार सभी को, जोर से बोलेंगे से बोलने का मेरा मकसद एक ही था कि पूरे सराउंडिंग में, पूरे आसपास के एरिया में लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ हो रहा है, ताकि लोगों में कुछ उत्सुकता जागे कि क्या है आज इतनी गैदरिंग, इतनी गाड़ियां, इतने बच्चे, कुछ तो है। मेन मकसद यही है कि लोग जाने यहाँ क्या चल रहा है। नितिन जैन और उनकी टीम वाकई बधाई के पात्र है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां स्प्रेड स्माइल के इन वॉलंटियर्स बोलूंगी मैं, जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। नहीं, जो बीड़ा उठाया कि हमें कुछ बदलाव लाना है, और यही बात मैं एक दो बार बीच में भी इन बच्चों से मिली हूँ तो हर बार यही कहा है, आप चलते चलिए कारवां अपने आप जुड़ जाएगा। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं सोनीपत के अपने महान विभूतियाँ भंडारी आंटी और कितने लोग, ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि वाकई ये बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है नितिन जैन और उनकी टीम की, ये कहो कि इतने बच्चों को एक धारा में लाना और यहाँ बिठाना, इतने साफ सुथरे आप लोगों ने पहले ही एक कमेंडेबल जॉब कर दिया है, बहुत अच्छा काम कि उनको एक समाज की धारा में जोड़ दिया है। और निश्चय ही मैं बिल्कुल ये विश्वास के साथ कहूंगी कि इनमें से कुछ बच्चे नितिन जैन मीनल और जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो बनेंगे और आगे ऐसे ही ये धारा फैलाते रहेंगे। और जो इनकी सोच है पूरे सोनीपत को, जो मेन मुद्दा था कि बच्चे भीख मांगते रहते थे, जो ये इन बच्चों ने बीड़ा उठाया है, तो पूरी टीम के साथ मैं भी एक बात कहती हूँ कि आप काम करते जाइए, जहां भी आप कि हमारी जरूरत है हम सदा आपके साथ हैं। और निसंदेह पूरा ये सिर्फ गेटवे और इस आसपास का एरिया नहीं, 12 सेक्टर का एरिया नहीं, पूरा सोनीपत में कोई
वंचित ना रहे, कोई किसी भी बच्चे को भीख मांगने की जरूरत ना पड़े और आने वाले टाइम में इन बच्चों की काफी लोग हैं जो अभी भी मदद कर रहे हैं समाज से और भी इन बच्चों के लिए हमेशा तैयार हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चल पड़े हैं कुछ कदम एक बदलाव की ओर, है बस यही से कि अब तो आगाज इतने सुबह का करना है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं विनीता, कक्षा 7 की छात्रा, आप सभी के समक्ष हमारे एनजीओ के लिए कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे इस साधारण से जीवन में यूं ही कोई एकदम से आएगा और बिना किसी स्वार्थ के उसे और बेहतर बनाने में लग जाएगा, कि कोई बस ऐसे ही हमारी जिंदगी में एक प्यारी सी मुस्कान भर देगा, हमारी खामियों को सुधारना सिखाएगा और अपनी खूबियों को अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ते रहने के लिए आगे प्रेरित करेगा, हमेशा सही राह पर चलते रहने की शिक्षा देगा। आज कुछ लोगों की उस एक कोशिश का ही ये परिणाम है कि इतने लोग हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ बैठे बहुत से बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला। यहाँ हमें केवल किताबी शिक्षा नहीं दी जाती, साथ ही नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। किस प्रकार से बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुबह उठकर मंजन करना व नहाना चाहिए। यहाँ हमें केवल साथ ही हमारी रुचियों को भी बढ़ावा दिया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि इससे पहले हम खुश नहीं थे या फिर हम जिंदगी नहीं जी रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम खुलकर हंसना सीखे हैं और जिंदगी कैसे हंसते हंसते बितानी है ये जाने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा एनजीओ सिर्फ सोनीपत में ही नहीं, हर जगह पर अपनी छवि छोड़े, ताकि जैसे हम लोगों को ये मौका मिला वैसे ही और बच्चों को भी मिले। और अंत में मैं वही दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी जो हमें यहाँ हर रोज सिखाई जाती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बिल्कुल विनीता, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा एनजीओ खूब तरक्की करे। अब आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने आ रही है रीना, जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रूबी, मैं आप
सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है उठ मेरे वीर जवान उठ, उठ मेरे वीर जवान उठ, लहलाती इस धरती में आग, फिर नया जोश आया है, कदम अपने टकमगाने ना देंगे, क्योंकि जाने वाला यहाँ काला साया है। उठ मेरे वीर उठान उठ, उठ मेरे वीर उठान उठ, स्वतंत्रता का समय अब आया है, स्वतंत्रता का समय अब आया है, लाल बाल पाल जैसों ने जो कसम खाई थी उसे पूरे करने का समय अब आया है, बहुत क्या अंग्रेजों ने राज आया समय अब हमारा है, उठ मेरे वीर उठान उठ, स्वतंत्रता का समय अब आया है। धन्यवाद।